अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ताज मोहम्मद, आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में डिस्कवर विद ताज। जी दोस्तों, दराज सेलर रजिस्ट्रेशन एक अलग सीरीज़ है जो हमारी कंटिन्यू है, लेकिन आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो दूसरी सीरीज़ है, यानी कि ऑनलाइन जॉब्स, जिसमें बैंक जॉब्स और जो भी ऑनलाइन जॉब्स है, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी, जो भी न्यू जॉब्स आ रही हैं, तो उनके हवाले से मैं ये दूसरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको जॉब्स में अप्लाई करने के लिए डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा कि कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं, चाहे वो बैंक जॉब्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हों, या जो भी जॉब्स अवेलेबल होंगी वो मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊँगा। ये ऑनलाइन जॉब्स की सीरीज़ का पहला पार्ट है, पहला एपिसोड कह सकते हैं इसे। जी दोस्तों, आज जो मैं आपको जॉब के हवाले से बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली UBL बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में न्यू जॉब्स आई हैं, जिनकी लास्ट डेट है 21 अगस्त 2020। 21 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने खुद भी अप्लाई किया हुआ है, तो मैं चाह रहा था कि इस पर वीडियो बना दूँ ताकि मे बी किसी के काम आ जाए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा। जी दोस्तों, आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल के ब्राउज़र पे सर्च कर लें, या अगर आप लैपटॉप पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप अपने ब्राउज़र पे ये कर सकते हैं। आपने गूगल पे जाकर टाइप करना है ublDigital.com। आप जैसे ये टाइप करके सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। ये UBL की वेबसाइट है, यहाँ पर हमने जॉब्स के हवाले से डिटेल्स चेक करनी है। ठीक है जी, यहाँ पर जॉब्स के लिए आपने ऊपर कोने पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने बिल्कुल नीचे कैरियर्स पे आना है। ठीक है जी, कैरियर्स पे आने के बाद आपने यहाँ पे लैटरल हायर्स नंबर 3 पे लिखा हुआ है, कैरियर आर पीपल लैटरल हायर्स, आपने लैटरल हायर्स पे क्लिक करना है। जी जी दोस्तों, लैटरल हायर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जॉब अभी कौन सी अवेलेबल हैं इनके पास। सबके जॉब डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल हैं, जॉब टाइप, ये सब परमानेंट जॉब्स हैं। चलें, पहली जॉब यहाँ पे ऊपर आ रही है, सीनियर क्रेडिट एनालिस्ट, इसके बाद एक क्रेडिट एनालिस्ट, उसके बाद एक ब्रांच सर्विस ऑफिसर, यानी BSO, जैसे दूसरे बैंक्स में CSO होता है उस तरह से ये BSO है, और ये भी परमानेंट है। उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर रिटेल बैंकिंग, ये है RME, ये भी परमानेंट है। उसके बाद है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, और उसके बाद है ब्रांच मैनेजर जो कि BM होता है। और ये सारी जॉब्स जो हैं परमानेंट हैं, तो हम इनका क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं अप्लाई करने का। तो सीनियर क्रेडिट एनालिस्ट, इसके बाद चले पहले जो है मैं ब्रांच सर्विस ऑफिसर जो नंबर 3 पे है ये चेक कर लेते हैं, वो तो बड़ी पोस्ट है। तो आम जो बेरोज़गार लड़के हैं, जो फ्रेश हैं, लड़के लड़कियाँ, मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए ब्रांच सर्विस ऑफिसर पे हम क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन पहले हमने डिस्क्रिप्शन चेक करनी है कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्लिक करते हैं इस पर। जी दोस्तों, यहाँ पे जॉब टाइटल BSO, उसके बाद मल्टीपल पोजीशंस, जॉब टाइप परमानेंट, और इसके लिए मिनिमम एजुकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एजुकेशन, यानी बैचलर डिग्री होना आपके पास लाजमी है, और मिनिमम एक्सपीरियंस ये कह रहे हैं फ्रेश ग्रेजुएट कैन अप्लाई। अगर आपके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली अप्लाई करने के बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्यूरेट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल कस्टमर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, यानी जो भी बैंकिंग की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने की एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए और नॉलेज भी हो थोड़ी बहुत। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी उसकी, इफेक्टिव सॉर्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ ऑपरेशन टिल्स और कंट्रोल एंड कंप्लाइंस। जी, अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, अप्लाई फॉर दिस जॉब, जो भी ब्रांच के काम होते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑब्वियसली सभी को पता है, और ये भी ऑपरेशन की जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो बहुत अच्छी है अगर मिल जाती है तो। मैंने खुद इसमें अप्लाई किया है, और अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और पूरा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वहाँ पर सारी डिटेल्स हम फिल करेंगे, लेकिन पहले अभी हम दूसरी जो जॉब्स हैं, पोजिशंस हैं, उनके हवाले से भी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। जी दोस्तों, अब रिलेशनशिप मैनेजर रिटेल बैंकिंग, अब इस जॉब के हवाले से भी डिटेल्स चेक कर लेते हैं, इनका जो है क्राइटेरिया क्या है ये भी चेक कर लेते हैं। जी, जॉब टाइटल है रिलेशनशिप मैनेजर, और टोटल पोजीशंस मल्टीपल, यानी मल्टीपल सिटीज़ में वैकेंसीज़ हैं इनकी, और जॉब टाइप परमानेंट है ये भी। मिनिमम एजुकेशन जो ये मांग रहे हैं, रिक्वायरमेंट है मिनिमम बैचलर्स मिनिमम होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड HEC इंस्टीट्यूशन।
चलें ठीक है, बैचलर्स जो है इनकी रिक्वायरमेंट है, और एक्सपीरियंस ये 1-2 ईयर्स ऑफ रेलेवेंट सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ एन एडेड एडवांटेज। यानी कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, यानी कि ऑब्वियसली किसी बैंक का एक्सपीरियंस होना लाजमी है, किसी भी बैंक का एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1-2 ईयर्स, 1 ईयर का भी है तो भी चल जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड तो हो जाएंगे। चलें उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहा है वेल ग्रूम्ड, गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स, वेरी गुड। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? टू प्रोवाइड क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज इन ऑर्डर टू रिटेन एंड इंक्रीज नंबर ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप्स। ऑब्वियसली आपने आरएम का काम यही होता है कि ब्रांच में आपने इंक्रीज नंबर ऑफ क्लाइंट्स ले आने हैं ब्रांच में। ऑब्वियसली ब्रांच को बैंक को बिजनेस प्रोवाइड करना है, आरएम का यही काम होता है। लेकिन ये परमानेंट जॉब है, बहुत अच्छी है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने खुद भी इसमें अप्लाई किया है। और उसके बाद हम बैक करके दूसरी जॉब्स के लिए भी चेक कर लेते हैं। जी इसके बाद है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, ऑब्वियसली जो ऑपरेशन मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी चेक कर लेते हैं। ये भी मल्टीपल सिटीज़ में अवेलेबल हैं वैकेंसीज, और जॉब टाइप है परमानेंट, मिनिमम एजुकेशन इसमें बैचलर्स चाहिए, ये भी बैचलर्स के ही पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपीरियंस होता है इसमें, मिनिमम एक्सपीरियंस मस्ट हैव 2 or more years एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल फंक्शंस इन ब्रांच ऑपरेशंस। ब्रांच ऑपरेशन में यानी कि किसी दूसरे बैंक में इन्होंने, अगर आपने ब्रांच ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है आपको किसी भी बैंक में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट मस्ट हैव 2 ईयर्स, 2 साल या 2 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एलिजिबिलिटी है मैनेजिंग कोचिंग एंड मेंटोरिंग ऑफ स्टाफ टू अचीव अबव मीडियन स्कोर फॉर द ब्रांच ऑन द सीएस स्कोर कार्ड, ऑब्वियसली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज चले अब हम चेक कर लेते हैं ब्रांच मैनेजर के हवाले से। ऑब्वियसली ब्रांच मैनेजर के लिए भी यही सेम रिक्वायरमेंट्स होंगी। ये भी मल्टीपल सिटीज़ में वैकेंसीज हैं, परमानेंट जॉब है, मिनिमम एजुकेशन बैचलर्स और इक्विवेलेंट डिग्री, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट वुड बी एन एडेड एडवांटेज। इसमें भी बैचलर मांग रहे हैं, और उसके अलावा भी अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास तो वो भी एक एज एन एडवांटेज इसको लिया जाएगा। मिनिमम एक्सपीरियंस प्रीवियस सक्सेसफुल रोल इन सेल्स एंड CSOM लेवल्स। चले प्रीवियस, यहाँ पे ईयर्स नहीं बताया इन्होंने, लेकिन आपका प्रीवियस सेल्स एक्सपीरियंस अगर आपने एज अ बीएम, एज अ ब्रांच मैनेजर पहले भी काम किया है और अच्छी सेल्स है आपकी, अच्छा एक्सपीरियंस आपने गेन किया हुआ है, तो आपको वेलकम किया जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी से परफॉर्म लीड असाइंड स्टाफ इन कंडक्टिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज पर द रोल्स डिफाइंड इन द ब्रांच मॉडल ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स। सेम उसी तरह से जो ब्रांच मैनेजर का काम होता है, पूरी ब्रांच को होल्ड करना और स्टाफ को होल्ड करना, जो भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनको उनको लुक आफ्टर करना, ये सारा काम होता है बीएम का। ओके चले हम एक किसी एक जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि लिस्ट में क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होंगी। ओके मैं अपने हिसाब से यहाँ पे, मेरा वैसे एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है मैंने, और तो उस हिसाब से मैं किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर तो सकता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा जो है इतना नहीं है बैंकिंग का, है लेकिन बहुत कम है। ब्रांच सर्विस ऑफिसर के लिए अप्लाई करके देखते हैं कि लिस्ट में क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी। जी यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब करते हैं। ओके जी यहाँ पे जो फॉर्म फिल करना होगा, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करनी है, उसके बाद आपका नाम, आपका लास्ट नेम, CNIC नंबर, और उसके बाद आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, सिटी है, होम फोन जो भी है, मोबाइल नंबर, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी लास्ट डिग्री कौन सी है और किस इंस्टीट्यूट से आपने की है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपने फिल करनी होंगी। जैसे मैंने एमबीए किया हुआ है, और इंस्टीट्यूशन कौन सा है, ईयर ऑफ कंप्लीशन कब आपने कंप्लीट की है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अगर येस करेंगे तो फिर आपने ये डिटेल्स फिल करनी होंगी, ये नीचे वाली, ये वाली। अगर इसमें नो करेंगे तो फिर आपको ये फिल नहीं करना पड़ेगा, आपने फिर यहाँ पे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस यानी कि जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन नेम, जॉब टाइटल, ड्यूरेशन, आपने कब, किस टाइम तक आपने जॉब कंटिन्यू की थी, सिटी कौन सा था, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी CV अपलोड करनी है, चूज फाइल पे क्लिक करके। अगर CV आपके पास PDF फाइल में है तो वो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन में क्लिक करेंगे आप, और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डन हो जाएगी। जी दोस्तों रिक्वेस्ट डन होने के बाद जब अगर आप ब्रांच बैंक की रिक्वायरमेंट पे जो है रिक्वायरमेंट पे पूरे उतरेंगे तो ऑब्वियसली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपसे वो रब्ता करेंगे, फिर इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा। इसकी लास्ट डेट 21 अगस्त है, तो प्लीज़ अप्लाई कर लें, और मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, और गुड लक फॉर दिस।
जी दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़ इस वीडियो को। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की हेल्प हो जाए। जी दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ये जो सीरीज़ है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी डिस्कवर विद ताज में। अल्लाह हाफिज़।